Welcome to Dehradun and welcome back to your favorite property channel, Houses and Hills. Guys, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आज हम लोग खड़े हुए हैं सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ सहस्त्रधारा रोड. जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा देहरादून शहर और मेरे आगे पूरा मसूरी एंड सारे पहाड़ कितने क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है. और सिर्फ एक धुन चल रही है मेरे दिमाग में, आई बिलीव आई कैन फ्लाई. चलो जोक्स असाइड गाइस, सेकेंड थिंग, आज मैं आपको कुछ फ्लैट बेचने या घर बेचने नहीं आया हूँ. आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देने आया हूँ कि यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग्स क्या उतनी वायबिलिटी देती है जितना लोग सोचते हैं, या फिर उतने वायबिलिटी मिल रही है जितना लोग नहीं सोच पा रहे. और लोग कह रहे हैं हमको घर चाहिए या हमारे को प्लॉट चाहिए, जिसकी इस टाइम अवेलेबिलिटी देहरादून में ज़ीरो हो चुकी है. जैसे आपको पता है डिमांड सप्लाई का फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होता है. यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है गाइस. यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, पहले फोर लेन हाईवे नहीं था सहस्त्रधारा रोड, दिस वॉज नॉर्मल रोड, दिस वॉज अ नॉर्मल रोड लाइक राजपुर रोड एंड एवरी रोड. राइट नाउ दिस इज अ फोर लेन हाईवे बिकॉज मास्टर प्लान में ये आउटर रिंग रोड पास हो चुकी है, जो दिल्ली और देहरादून का रास्ता बन रहा है 2.5 से 3 घंटे वाला. तो गाइस ये एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है इसमें. बाकी मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या नहीं. तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा. मैं आपको एंड में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसका एक सैम्पल फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ, फ्लैट भी समझाने वाला हूँ. तो आप एंड तक बनिए रहेगा. एंड चलिए गाइस, हम लोग 10th फ्लोर पे खड़े हुए हैं. आप देख सकते हो जो ये वाली बिल्डिंग है, दिस इज कॉर्सिका हाइट्स. आई एम नॉट अ डीलर इन दिस बिल्डिंग, वी आर द ओनर्स इन दिस बिल्डिंग. ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन हम लोग संभाल रहे हैं. हम लोग 10th फ्लोर पे, मतलब कि हम लोग अपने रूफ टॉप पे खड़े हुए हैं. और जैसा आप देख सकते हो, रूफ टॉप का लेंटर डन हो चुका है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब फिनिशिंग का वर्क बचा है, जो कि सिर्फ और साल में आपको बिल्कुल कंप्लीट हैंडओवर मिल जाएगा. गाइस जो इसका एक बोनस पार्ट है जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया, वो है हमारी आंखों के सामने. चेक आउट द व्यू. आपको ऐसा व्यू सहस्त्रधारा रोड पे किसी भी बिल्डिंग में नहीं मिल सकता है, जहाँ पे आप मैक्स हॉस्पिटल और पैसिफिक मॉल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हो. मेन हाईवे आपके बिल्कुल रोड के सामने है. एंड यहाँ पे सारे MNCs, कंपनीज, RBI, इनफैक्ट जितने भी छोटे छोटे आउटलेट्स लाइक KFC, डोमिनोज, यहाँ सारे आपके वॉकिंग डिस्टेंस में खुल चुके हैं गाइस. सामने आप 2 स्कूल भी देख सकते हो. ये सारी मैंने आपको एमिनिटीज़ बताई है अबाउट द लोकेशन. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एमिनिटीज़ ऑफ दिस बिल्डिंग, आप ऐसा व्यू इन्जॉय अपनी बालकनी से तो कर ही सकते हो गाइस. बट अगर आपको एक कम्युनिटी एक बिल्ड करनी है और अपने लाइक वाइज लोगों से मिलना है, तो आप यहाँ पे कॉमन एरिया में आप इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन एरिया एंड यू आर गोना गेट अ व्यू लाइक दिस. गाइस मेरा जो पॉइंट था कि मैंने जो आपको बोला था कि मैं आपको आज रियलिटी बताने वाला हूँ, वो एक फैक्ट है. मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रियलिटी और एग्जैक्ट जो सिचुएशन है इस प्रोजेक्ट की वो बताना चाहूँगा. बिकॉज आज ही जब हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे गाइस, मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया था जिन्होंने Day 1 हमारे से यहाँ से बुकिंग करवाई थी. And he was so happy about it. He was very happy about it. In fact, उन्होंने आज के रेट के हिसाब से भी एक फ्लैट हमारे से बुक करवाया अपने रिलेटिव्स के लिए, क्योंकि उनको एक रियलिटी चेक मिला. उनको एक चीज़ दिखी कि हमने जो रेट Day 1 हमने बुकिंग में लिया था, और आज भी पोजेशन नहीं है गाइस इसकी, आज से भी 1 साल का समय है आपके पास पोजेशन के लिए, उनको आज के रेट में भी इतनी अच्छी वायबिलिटी और इतना अच्छा एक इंक्रीमेंट दिखा अपनी इन्वेस्टमेंट पे. गाइस फ्लैट विद अ गुड लोकेशन इज रियली गुड टू इन्वेस्ट इन देहरादून राइट नाउ. अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में. जैसे आप देख सकते हो हमारे पीछे ये 4 लेन हाईवे जा रहा है, जो स्ट्रेट जाता है मसूरी या राजपुर रोड की तरफ से, और ये वाला रास्ता जाता है सीधा देहरादून शहर में. आप अभी भी देहरादून शहर में हो, आपके आस पास सारी अप्रोचेज हैं. अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा. जैसे कि ये जो प्लॉट एरिया, जो ये लैंड एरिया है, दिस इज 4400 स्क्वायर यार्ड्स. 4400 स्क्वायर यार्ड्स में हमने एक फ्लैट, एक जो स्लैब है उसके अंदर 10 फ्लैट्स निकाले हैं एंड इनटू 10 फ्लोर्स. सो दिस इज 100 फ्लैट्स इन टोटल. 90 are 3 BHK एंड 10 are 2 BHK. जिसमें से मोर देन 50% इन्वेंट्री हैज़ बिन बुक्ड बाय द एंड यूजर्स. यस गाइस, यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हमारी सेल्स हुई हैं सब एंड यूजर्स की हुई है. समवन इज़ फ्रॉम पुणे, समवन इज़ फ्रॉम मुंबई, समवन इज़ फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तो है ही क्योंकि वो बिल्कुल पास में ही है. इन सब लोगों ने अपना एज अ सेकेंड होम यहाँ पे लिया है, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उनको व्यू
उनको एमिनिटीज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी हमारी। यस गाइस, अब मैं आपको धीरे धीरे करके लेके चलता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा फ्लैट के बारे में ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। गाइस, दिस इज़ द सैम्पल फ्लैट, दिस इज़ अ शो फ्लैट जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या रहेगा। यहाँ पे वन टच की एक वीडियो डोरबेल देखने के लिए आपको मिलती है। दिस इज़ वन टच, दिस इज़ अ ब्रांड जिसमें आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा, माइक देखने के लिए मिलेगा। दिस इज़ डोर सेट का जो भी आप कहते हो, इसमें एक स्मार्ट लॉक फीचर है जो पिन से भी चलता है, फिंगरप्रिंट से भी चलता है एंड मैनुअल की से भी चलता है। एंड दिस इज़ द एक्चुअल फ्लैट, दिस इज़ अ शो फ्लैट गाइस। इसमें जो भी आप फर्नीचर अभी देख रहे हो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं रहने वाले हैं, वॉल्स वगैरह नहीं इंक्लूडेड रहने वाली हैं। आपको एक सैम्पल, एक जो आपको एक सिंपल जो प्लेन बेयर वॉल्स होती हैं उस टाइप की देखने के लिए मिलती है। सो गाइस, दिस इज़ द सिटिंग एरिया। यहाँ पर आपका प्रॉपर यहाँ पे आपको एरिया मिल जाएगा नीचे देखने के लिए कि यहाँ पे सिटिंग एरिया कितने स्क्वायर फिट का है। एंड दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया, ये बीच में एक डिवीजन करी हुई है। दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया, इस एरिया के साथ भी हम लोगों ने यहाँ पे एक अटैच बालकनी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बालकनीज की टेंशन लेने का कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड गाइस, एक और चीज़ डिटेलिंग की बात है, यहाँ पे हमने जो ये चौखट बोलते हैं वो भी हमने मार्बल की लगाई हुई है। एंड दिस इज़ UPVC, दिस इज़ ब्रांडेड UPVC। ये जो फर्नीचर्स हैं इसमें आप येलो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, बट ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा एड ऑन कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। आपको हर बेडरूम में अटैच बालकनी लाइक दिस राइट विद UPVC एंड मार्बल फिटिंग्स, अटैच वार्डरोब्स लाइक दिस देखने के लिए मिलेंगी। प्लस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा अटैच वॉशरूम। इसमें 3 bedrooms हैं, यहाँ पे 3 के 3 bedrooms में आपको अटैच वॉशरूम देखने के लिए मिलेगा विथ मोशन सेंसर लाइट्स ऑफ कोर्स, एंड ऑल द फिटिंग्स आर ऑफ कोलर। ये आपको वॉशरूम एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी हमने एक वार्डरोब दी गई है, दिस इज द वार्डरोब। अब फर्स्ट बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं। गाइस, अच्छा एक और चीज आप नोट कर रहे हो, जो ये आपने कर्टन्स देखे हैं ये भी एक हिडन रॉड के साथ दे रहे हैं हम लोग। तो डिटेलिंग, क्वालिटी ऑफ वर्क इज टॉप नॉच एज यू कैन सी। इंटीरियर इज ऑल्सो डन बाय द टीम। इफ यू वॉन्ट योर इंटीरियर्स टू बी डन लाइक दिस, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट पर्सनली। दिस इज द किचन। आपको किचन एज इट इज जैसा आप अभी देख रहे हो वैसे ही आपको एग्जैक्ट किचन मिलने वाली है। जस्ट ये जस्ट अप्लाइंसेज हैं, ये सब नहीं होंगे इसमें। इंक्लूसिव आपको हॉब एंड चिमनी मिलेगी जो आपको पूरी डन किचन मिलेगी। एंड दिस इज अ वेरी एलिगेंट लुकिंग किचन, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्पेशियस किचन एज यू कैन सी। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजी आपकी बास्केट्स हैं, ये आपके शटर काउंटर्स हैं। दिस इज फुली मॉड्यूलर विद सॉफ्ट टच। एंड दिस इज द पैंट्री, इसमें आपको एक सिंक यहाँ पे अंदर देखने के लिए मिलेगी एंड 2 sinks विद द डिश वॉशर स्पेस आपको बाहर देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो गुड प्रोविजन, इसमें गीजर भी हमने बाहर लगाए हैं। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड बेडरूम। आपको बालकनी सारे बेडरूम्स के साथ कनेक्टेड मिलेगी। दिस इज द सेकेंड बेडरूम, इसके साइजेस में आपको नीचे स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, इसमें भी आपको मोशन सेंसर लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। And this is the washroom. This is the attached washroom with the cooler fittings, glass divisions, the wardrobes. Wardrobes आपको सारे रूम में आपको प्रॉपर मिलेगी। Wardrobes, washroom and balcony. ये हमने मंदिर एरिया हमने बनाया है यहाँ पे। बहुत सुंदर एक मंदिर एरिया है, जैसे हर इंडियन अपने घर पे चाहते हैं कि एक मंदिर एरिया, एक पूजा एरिया हो, उस हिसाब से हमने यहाँ पे मंदिर भी बनाया है। And let's walk in to the master bedroom with wooden flooring. This is the master bedroom guys, as you can see. Very spacious, very practically and elegantly designed. ये corner flat का मैंने आपको एक example दिखाया है। तो ये वाली एक आपको जो balcony है आपको एक main road facing या फिर as per the availability and as per your taste आपको मिल सकता है यहाँ पे। नहीं तो सारे, अगर आप नॉर्मल फ्लैट भी देखोगे उसमें भी बालकनी आपको अटैच देखने के लिए मिलेगी मास्टर बेडरूम के साथ। दिस इज द वॉशरूम।
गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स और फैमिली जो एक हाउस हंट पे है देहरादून के। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोबारा से मैं भूल जाता हूँ, वो ये है कि ये अरे बैंक के साथ हमारा टाइप हुआ हुआ है। आप SBI से लोन लेना चाहते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना चाहते हो, एक्सिस, एवरी बैंक इज लिंक्ड अप। सो हरी अप, अगर आपको ये अच्छा फ्लैट लग रहा है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू बुक योर यूनिट राइट नाउ एंड कॉल अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाउसेज।